हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज स्पेशल मेरे साथ में है दिवाकर आर्या सर, और सर को स्पेशली मैंने इस ड्रोन एक्सपो के लिए इनवाइट किया है। तो हम दोनों भी जा रहे हैं, तो हम दोनों एक्साइटेड है बहुत। चलते अंदर फटाफट, देखते हैं कैसे कैसे ड्रोन से क्या नई नई टेक्नोलॉजी है इन UAVs में डाली हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ड्रोन से। VIP पर्सन या अपने मतलब कोई चीफ गेस्ट होते हैं ना, PM मोदी वगैरह, उनके लिए लाई किया है। अंदर से मतलब वो है ना बुलेट रेजिस्टेंट डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट। अर्लियर वी वेयर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यस आई नो। सो नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 7 DPSU। वन ऑफ द DPSU इज प्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड टू प्रूफ कंफर्ट इक्विपमेंट। तो वी हैव प्रोटेक्टिव वेयर्स, लाइफ साइकिल क्लोथिंग आइटम्स। यहाँ पर मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी आर्मी ट्रूप्स होती है ना, उनके मतलब जितने भी गेयर्स होते हैं, शूज़ हो गए, बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट हो गए, बैग हो गए, या फिर गोगल्स, कपड़े, जितनी मतलब उनके कैमोफ्लाज के घर हो गए, टेंट हो गए, सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। माय कंपनी इज बेस्ड इन बैंगलोर, सो दिस हैज फायरिंग रेंज ऑफ 1400 मीटर्स, सिंगल एक्शन बोल्ट। We have different magazine capacities, 5-round, 10-round. This is known as the 7.62-51 Viper. Okay. Yeah. These parts are designed in our country? This is completely designed and made by us in Bangalore. So, like the process, how like material we use? Like material is 6061 aluminum. This is steel. It's a PVC, ABS. Plastic. कंधे पे मत दबा देगी भाई, कुछ हो ना। प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट दिस वेपन सर, एट विद घातक। ये 7.62 इसका बोर है, ठीक है। उसके रेंज के अंदर 7.62 वो भी आता है, तो और ये आता है 7.16-51, ठीक है। ये 39 डाय का है और ये 51। इसमें क्या है कि रेंज अलग अलग होते हैं, इसका मतलब 660 के आसपास इसका रेंज है। ये ऑलमोस्ट 600-700-800 के अंदर ये सारा रेंज आता है, ठीक है ना। बैरल का लेंथ के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका लेंथ कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से कहाँ तक जा सकता है। ओके okay. उसके बाद आप ये इंसास का जो हम चल रहा था 5.56 इंसास राइफल, जो इतने सालों से कारगिल बंद हो गया में जो भी कर रहा था, वो बंद होके अभी एक्सकलीवर आ गया है, ठीक है। 5.5 सीपी भी कार बनी, कानपुर में बनना ये जाए, ऐसा कुछ। उसी के तहत यहाँ पे ऊपर वाला जो कार गन है, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके 40mm अंडरग्राउंड ग्रेनेड लॉन्चर, ग्रेनेड को भी मारने की तरीका को इसमें अडॉप्ट कर लिया। ये एक तरीका भी है 7.62 के अंदर, ये 39 वर्सन वाले सारे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज करके ये करके उसको किया गया है, और बुलेट फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। इसमें JVPC गन जो ये अभी काफ़ी सारा यूनिट को जा रही है, ये बहुत लो वेट है और फायरिंग भी बहुत मतलब 3 rounds भी करती है और ज़्यादा भी करती है। और ये 9mm पिस्टल तो आर्मी ने भी, एयरफोर्स और MHO को जाता है, पुलिस वगैरह लेके जाती है। ये आपका जो है सिविलियंस के लिए है, मतलब लाइसेंसियड कोई परचेस करता है, परचेस कर सर। 1000 वेपन है, लेकिन उसमें से हर किसी में कोई ना कोई इशू होता है, किसी में वेट का, किसी में रेंज का, किसी में हीट होने का। तो मतलब आपने ऐसा कोई मतलब बड़ा कोई इशू देखा है जो मतलब बार बार आ ही रहा हो, सोल्व नहीं हो रहा सब कुछ आपका? एक्चुअली उनका हिसाब से जो भी वो लोग मॉडिफिकेशन के लिए जब भी लिख के देते हैं या बताते हैं हम लोग, वो हम लोग चेंजेस की तभी तो इतने सारे वेपन्स चेंज होके आते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चेंजेस लाना है या कोई चेंज करना है, तो उस हिसाब से करते हैं। और बड़ा इशू मतलब क्या, उनको वो वही इशू ज़्यादातर रहता है कि लाइट वेट हमारा आर्मी का मॉडर्न रिक्विजिशन ही वही है कि लाइट वेट हो। इसका जैसे 1 kilo के करीब वेट है, 9mm पिस्टल पिस्टल का 1 kilo, तो इसको हाथ में लेके देखोगे तो 1 kilo के करीब वेट है फायरिंग में कीजिएगा। ये टीयर गैस गन जो मॉप को हटाने के लिए यूज होती है, और ये भी ऑलमोस्ट मॉप के लिए यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा घातक ज़्यादा है। और एक बार ये लास्ट USP13, इसका क्या प्राइस है? 12,500 दो बैटरी और चार्जर के साथ। ये फुल्ली डिटेक्ट कर लेगी आपके नंबर पर? यस यस यस। अगर क्लियर नहीं है, फेस क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम उसको क्लियर कर सकते हैं, कुछ क्लियर कर सकते हैं। अभी क्या, अगर मेरे पास बहुत बड़ा वीडियो है 2 घंटे का, और उसमें सिर्फ एक सिंगल कार है जो लेफ्ट से राइट गई है व्हाइट कलर की, तो मुझे पूरा 2 घंटे का फोटो देखना पड़ेगा, मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। वेल गाइस, पुलिस एक्सपो में बहुत कुछ था, वहाँ की जो कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी,
बहुत सारी वेपन्स, बहुत सारी व्हीकल्स, बहुत सारी चीज़ें थी। अब हम आते हैं ड्रोन्स के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत होती है अपने इंडो विंग्स से। इंडो विंग जो अपना वीडियो है ना, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये हो रही है। इससे क्या होता है, हमारा एयरक्राफ्ट लिफ्ट करता है। और पीछे यहाँ पर आपको प्रोपेलर दिख रहा होगा इस तरीके से, ये प्रोपेलर है ना आगे मूव करने के लिए काम आता है। शायद ये जहाँ तक मुझे पता पूरा है ना कार्बन फाइबर से बना हुआ है। अमेजिंग यार, पूरा पूरा जो आप लैंडिंग गियर भी देखोगे एकदम कार्बन फाइबर के बने हुए हैं। प्रोपेलर्स भी एकदम कार्बन फाइबर के बने हुए हैं। 80 मिनट्स का फ्लाइट टाइम है सिंगल बेसिस पे। और ये ड्रोन जो है 200 मीटर की हाइट पे, इसकी एकॉस्टिक जो नॉइज लेवल है 30 लेस देन 35 डेसिबल। आपकी अगर आप 200 मीटर के ऊपर उड़ाओगे आपको ड्रोन सुनाई नहीं होगा। इसमें स्टेपेबल पेलोड ऑप्शन है, आप चार तरह के पेलोड ऑप्शन करके आप यूज कर सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से। लाइक अगर आपको मैपिंग में यूज़ करना है उसका IN90X पेलोड, आपको सर्विलांस इंस्ट्रक्शन मिलता है IN10X, आपको एक स्काईपॉड के अंदर डिफरेंट पेलोड ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी हम आए थे इंडो विंग्स के सेक्शन पे जो कि एग्जीबिशन में, तो अभी हम से मिले, अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम, अभी अपन आए पैनासोनिक की एग्जिबिट पे, जहाँ पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लैपटॉप आपको दिख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा ये पुराने हैं, मोटे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो है ना डिफेंस के लिए हैं। मतलब जब भी ऐसा केस आया कि मतलब कहीं पर भी रफ एंड टफ कंडीशन में लैपटॉप को खोलना है स्पीड में, और मतलब जैसे बहुत हार्श कंडीशन है तो इसको आराम से खोल सकते हो। एकदम हार्ड मटेरियल से बना हुआ है सारे लैपटॉप्स पैनासोनिक के, स्पेशली मतलब जो है डिफेंस के लिए। आप इस तरीके से देखो पीछे, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। महंगा हो या नहीं महंगा, मिलेंगे सब सर, छोड़ो टूटेगा नहीं नहीं। थोड़ा बहुत थकान लग रही है, पानी पिया अभी, मस्त कॉफ़ी बन रही है अपनी। कैपेचिनो कवर कर लिया है 20-30%। और मतलब कुछ जो खास खास शॉप्स हैं, मतलब जो समझ लाइक टेक्नोलॉजी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये गाइस सारे एक्सप्लोजिव है, TNT, HNS, पिकराइट, टेट्राइल, DNT। जिसमें से ये ना TNT बहुत आम है, मतलब आजकल जो टेररिस्ट है ना उनके पास ये TNT रहता है ज़्यादातर। और बाकी सारे जो आप ये देख रहे होगा ना, ये हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये अलग अलग सारे फ्यूजेस हैं, सारे एम्यूनेशन हैं, फिंस। एंड गाइस आपने बहुत सी मूवीज़ में, बॉर्डर मूवी हो गई या फिर लक्ष्य मूवी, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा इस टाइप की डिवाइस को पैर रखते ही। ये एक्चुअल में ना हाँ पैर रखते ही, मतलब यहाँ पर जो पिंस है पैर रखते ही जो ये स्विच ट्रिगर कर जाता है और इसके अंदर से ब्लास्ट होता है। और ये कुछ यहाँ पर जो है ना आर्टिलरी पड़ी है, कुछ मोटार्स पड़े हुए बॉम्ब, जितनी मोटार है ना वो मतलब जो भी पर वोफर्स हो गया, जितनी भी तोप होती है ना उसके अंदर से इसका यूज़ किया जाता है। अलग अलग मोटार्स हैं यहाँ पर, अलग अलग साइज़ के, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और यहाँ पर सारी बुलेट्स है, MMG, HMG, मीडियम मशीन गन, हैवी मशीन गन के सभी कार्टेज है। नहीं नहीं ये तो मिसाइल है, जो नहीं होती वो टॉप वोफर्स टॉप जिसमें डाल के यूज करके फिर वो खींचते हैं वो टैंक वगैरह में। ये जो है एरियल बॉम्ब जो ऊपर से छोड़ते हैं एयरक्राफ्ट से, ये हमारे मोर्टार हैं, ये हमारे ग्रेनेड्स हैं, ये सारी बुलेट्स हैं। ये तो सुन, ये शेल तो निकल जाता है, इतना ही बुलेट है आगे जाके, ये कट्टा नहीं है इधर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। Surveillance drone, which is used for the surveillance, mapping, and crowd management, and for the rescue operations. So it has an endurance of 2 hours, with a speed of 100 kilometers per hour. Okay. And it is totally per hour. Yeah. And with a radius of 50 kilometers, and it is a fuel based. We use petrol. So that noise is a win-win situation for the crowd management. We fit a mic here, so it will be a good for the crowd management. And we mount a, it carries a payload of 5 kg. Okay. So we can mount the cameras, EO/IR sensors here. Okay. And that camera's range is up to the requirement. Like security forces has a separate requirement, like around the 80x null. And the best part is the endurance part. Okay. Because the battery powered is almost around 20 to 25 minutes. But this is has a 2 hours. In hours. And the another best part is the gust resistance. Range kya hai? 50 kilometers. मतलब ये रेडियस सिंगल चार्ज 50 किलोमीटर की रेडियस इट्स अ पेट्रोल बंक एंड इट इज अ गस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर पर आ। कुछ अनप्रेडिक्टेबल विंड्स आ गई आगे से, वेदर वो हो गया तो उसको ये टेकल डाउन कर लिया। सामान रख के भेजने वाला, अच्छा अच्छा ओके ओके, पानी फेंकने वाला जो फायर्स में, अच्छा इसमें जो आप देखोगे ना मैकेनिज्म कितना एकदम प्यार से लगा रखा है। एग्जोकॉप्टर वो सारे सारे मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए स्प्रेइंग के लिए काम आते हैं। ओके समुद्र में या फिर मतलब पानी में लोग डूब जाते हैं तो क्या होता है, उसको बचाने के लिए दूसरे लोग अंदर कूद जाते हैं,
कभी कभार उनको भी तैरने नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एक डिवाइस है इस तरीके से, तो ये मतलब रिमोटली कंट्रोल है। इसको रिमोटली मतलब किसी को बचाना हो ना, जैसे वो बंदा यहाँ पर डूब रहा है, इसको बचाने के लिए एक ये जो है इस तरीके से बोट है, इसको फटाफट बेच के हम उसको बचा सकते हैं। किसी को तैरिंग आपको कुछ असेंबल नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक एरिया मैपिंग यू कैन डू। ये काइटोसिन बेस्ड है, काइटोसिन कहते हैं प्रोटोनेटेड पॉजिटिवली चार्ज, ब्लड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। जहाँ पे गनशॉट या ब्लास्ट इंजरीज हैं या जहाँ पे लेसरेशंस हैं, कट और स्टैब इंजरीज हैं, तो वहाँ पे अगर आप इसको लगाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट द अनायंस ऑफ द ब्लड। नेगेटिवली चार्ज जो ब्लड है उसको अटैक करेगा, प्लेटलेट्स फाइब्रिन एंड थ्रोम्बिन एक जगह आ जाएंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। वहाँ पे को जो कहते हैं ना क्लॉटिंग, कोएगुलेशन जल्दी हो जाएगी, तो 3 to 4 मिनट में कोएगुलेशन होगी। ये गनशॉट के लिए हमारे पास जेड फोर्ड है, ये फॉर स्टफिंग पर्पस के लिए। पास में एक और एक्सपो लगा हुआ है, पैकेजिंग एक्सपो, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि मैगी और अलग अलग वेफर्स, बिस्किट्स, ऑयल, इन सब की पैकेजिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मतलब मशीनरी है इस तरीके से कि मतलब जो शैम्पू हो गया या फिर इस तरीके से अलग अलग क्लीनर हो गए, तो इन सब ये सॉस हो गया, केचप हो गया, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना इनकी पैकेजिंग कैसे होती है। तो ये एम्प्टी बॉटल से इसके अंदर ना लिक्विड पोर किया जा रहा है और फिर सब पैकिंग होगी। बिल्कुल इतना मुझे आइडिया नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है पैकेजिंग को लेकर, फूड को लेकर, लेकिन खैर आगे थोड़ा बहुत तो सीख लेंगे। गाइस यहाँ पर अभी जो है ना चाय के कप, कॉफ़ी के कप और जो हम गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसका जो ग्लास होता है ना वो बन रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे कप इस तरीके से बन रहे हैं। भैया आप कंपनी के प्रोडक्शन यहाँ भी चालू रखे हो क्या, टाइम वेस्ट ना हो। ये बड़े बड़े कप बन रहे हैं जो ग्लास होते हैं। इस तरीके से कुछ फिनिश आउटपुट मिलता है हमें, इस तरीके से निस्केप के कॉफ़ी कप बन रहे हैं। पेपर का रोल है बड़ा सा, उसके बाद ये रोल यहाँ पर फिट किया और ये जो यहाँ पर इस तरीके से रोलर से होके जा रहा है, इसमें ना अंदर पहले से प्रिंट कर रखा है प्रकाश का, और इस तरीके से यहाँ पर ये रोल आ रहा है, यहाँ पर ये फोल्ड हो रहा है, शायद ब्लू भी लग रहा होगा इसके अंदर। यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है और यहाँ पर ये इस तरीके से पॉलीथीन पैक हो रहा है।